आज गाजीपुर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का करेंगे अनावरण, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एटा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बिना नाम लिए दो बड़े उद्योगपतियों को कहा लुटेरा, नेताओं को उद्योगपतियों का संरक्षक बताया। भदोही में सपा विधायक ने की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ, अटल की जोड़ने वाला नेता बताया। अटल जी की प्रतिमा के अनावरण में ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद रहे सपा विधायक जाहिद बेग। अमेठी में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने केंद्र सरकार के बजट पर की चर्चा, एक स्कूल में संबोधन के दौरान गिनाई बजट की खूबियां, समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बेटियों के बड़े लिंगानुपात के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। भाजपा सांसद के साथ सपा विधायक ताहिर खां भी मौजूद रहे। लखीमपुर में मंत्री आशीष पटेल ने बजट पर संगोष्ठी में की शिरकत, लोगों को बताई बजट की बारीकियां, कहा जिले के गांव गरीब और किसानों के लिए करेंगे काम। बस्ती में सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा, 4 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों ने किया था अतिक्रमण, करोड़ों की जमीन को बुलडोजर की मदद से कराया गया खाली। बागपत में लोगों को नकली घी बेचकर फरार हुआ शातिर, ठगों ने बरवाना गांव में किराए पर ली थी दुकान, पकड़े जाने का शक होने पर दुकान बंद कर चंपत पहुंचे। मथुरा में एक ही नंबर की दो गाड़ियां चलने का फर्जीवाड़ा आया सामने, कार मालिक ने कॉलेज बस को कोतवाली में कराया बंद, कार के नंबर में मेल खा रहे थे कॉलेज की बस का नंबर। बस्ती में 23 साल की अर्बीना बानो ने किया धर्म परिवर्तन, प्रेमी के लिए बदला धर्म, हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में प्रेमी के साथ की शादी। कानपुर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने आवास विकास में तैनात क्लर्क को पकड़ा, भवन निर्माण के एवज में मांगी थी रिश्वत। श्रावस्ती में NH 730 पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी से 322 होटल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस, होटल के कमरों पानी के स्रोत और खपत की मांग जानकारी, होटलों के लिए पानी की लिमिट तय करने की कवायद। जोशीमठ में रास्ता भटककर नदी के दूसरी ओर पहुंची पति और पत्नी, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, विष्णु प्रयाग में नदी के दूसरी ओर फंस गए थे दिल्ली के दंपति। खटीमा में फिर देखेगा सीएम धामी का सादगी भरा अंदाज, एक ठेले से मूंगफली और दुकान से गजक खरीदते दिखे सीएम धामी, सीएम को अपने बीच पाकर दुकानदारों के चेहरे खिले। नानकमता में एक पूर्व भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा के आवास पर पहुंचे सीएम धामी, प्रेम सिंह राणा की मां के निधन पर सीएम ने जताया शोक। रुद्रपुर में युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग, 30 जनवरी को घर से लापता हो गया था परवेज मोहम्मद। आज पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, गाजीपुर बलिया और वाराणसी पहुंचेंगे अखिलेश, सबसे पहले बलिया में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ बैठक में करेंगे सीएम योगी, आज पूरा प्रशासन कमला जेएस की तैयारियों को देगा फाइनल टच। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लखनऊ को मिलेगी सौगात, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद रहेंगे मौजूद। आज राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक के रूट में किया गया बदलाव, विदेशी मेहमानों और वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद, 16 फरवरी तक लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्शन। आज काशी पहुंचेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भी रहेंगे साथ, विश्वनाथ धाम गंगा आरती और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर देखेंगे। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की बजट को लेकर लगाई गई ड्यूटी, अपने अपने प्रभारी जिलों में कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार के बजट को लेकर देंगे जानकारी।
उत्तराखंड में आज से मौसम के बदलाव के आसार, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका, मैदानी जिलों में साफ रह सकता है मौसम। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुए को पकड़ने पहुंची मेरठ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, लोगों पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ा और किया गया ट्रैकलाइज। सहारनपुर में प्यार में नाकाम होने पर प्रेमी ने अपने साथियों के साथ युवती के होने वाले पति पर तेजाब से हमला किया, मुखबिर की सूचना पर सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे से 5 आरोपी गिरफ्तार। फरार भाजपा कार्यकर्ता की तलाश में बिजनौर पहुंची मेरठ पुलिस ने कराई मुनादी, पुलिस को फरार आरोपी की सूचना देने वालों को 25,000 के नाम की घोषणा। प्रिंस चौधरी पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान लेने का आरोप। बिजनौर के रहने वाले परिवार की अंगूठी के धुएं से दम घुटने से मौत हो गई, छोटे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए लगाई थी अंगूठी। कश्मीर के कुपवाड़ा में हेयर सैलून में काम करता था मृतक। बलिया में सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर बंदूक व्यापारी ने फेसबुक लाइव पर आत्महत्या की, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, गैंग स्टैक के तहत कार्रवाई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर लखनऊ में दिख रही है भव्य तैयारियां, यूपी विधान भवन की मुख्य गुंबद पर रंग बिरंगी रोशनी के बीच प्रोजेक्ट से लगाया गया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का लोगो। ब्राह्मण भोज में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने ब्राह्मण समाज के गिले शिकवे दूर किए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सड़कों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के निर्देश दिए। भदोही प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा गुंडों और बदमाशों की पार्टी है सपा, कहा यूपी में अब कानून का राज है, आर्थिक मुद्दों पर योगी सरकार को बताया नंबर 1। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा, जिला प्रशासन का बुलडोजर, टेम्पो स्टैंड की चिन्हित जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, टेम्पो स्टैंड पर लोगों ने अवैध रूप से किया था कब्जा। बिजनौर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का जीना हुआ मुहाल, 8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, बच्चों को कई जगह किया लहूलुहान, नाजुक हालत में CHC में कराया गया भर्ती। कर्णप्रयाग के पास चट्टान दरकने से हुआ हादसा, एक बाइक सवार के चपेट में आने से मौत हो गई, करीब 2 घंटे तक मार रहा बाधित, सड़क पर काम कर रही मशीन भी मलबे में दबी। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत कार्यालय पर दिया धरना, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार पर मनमानी का लगाया आरोप। कोटद्वार नगर निगम में पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, लोगों ने नियम के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराष्ट्र पहुंचे हरिद्वार, बोले उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत, आने वाले दिनों में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो। केदारनाथ पैदल मार्ग पर नहीं होगा दीवार, घोड़े खच्चरों का संचालन, घोड़े खच्चरों के लिए रहेगी गर्म पानी की व्यवस्था, चारधाम यात्रा तैयारियों में जुटी सरकार। झांसी में होटर के साथ स्टंट कर रहे युवा, होटर के साथ स्टंट करने का वीडियो सामने आया, SP City राधेश्याम राय ने कार्रवाई की बात कही। मेरठ में बीच सड़क पर युवकों ने किया जमकर हुड़दंग, कार की छत पर चढ़कर मचाया उत्पात, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में जिला कचहरी में घुसा तेंदुआ, चारों तरफ बची भगदड़, तेंदुए के हमले में 9 लोग घायल, मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। जोशीमठ में नहीं सुधर रहे हालात, 10 फरवरी को PMO ने बुलाई बड़ी बैठक, NGMA में जोशीमठ के ताजा हालात की दी जाएगी जानकारी। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नया दांव, गाजीपुर का नाम बदलने की उठाई मांग, गाजीपुर का नाम विश्वमित्र नगर करने की मांग। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी किए जाने की मांग पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी प्रतिक्रिया, कहा अगर भाजपा सांसद की मांग विचारणीय होगी तो पार्टी उस पर जरूर विचार करेगी। यूपी विधानसभा में अब अखिलेश के बगल में बैठेंगे शिवपाल यादव, विधानसभा में फ्रंट सीट पर बैठाने को लेकर बनी सहमति, महासचिव बनाए जाने के बाद शिवपाल का बड़ा कद। कौशाम्बी में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पति ने पिता ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध संबंध में बेटी को उतारा मौत के घाट, युवती किसी लड़के से फोन पर कर रही थी बात। बहराइच की नानापारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कई लाख रुपए बताई जा रही है चरस की कीमत।
कानपुर में पुलिस ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। हरदोई में साड़ियों की चोरी करती महिलाएं कैमरे में कैद हुई, पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। बरेली में महिला ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस पर घर में दबिश देकर महिला को छत से फेंकने का लगा आरोप। महिला ने कोर्ट में जज से पुलिस की शिकायत। कासगंज में बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, 19 जानवरों को घर से बाहर खेलते समय गायब हो गई बच्ची, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। गोरखपुर में गोपनीय दस्तावेज का इस्तेमाल कर परीक्षा देने वाले दो आरोपी अरेस्ट, संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। दोनों ही आरोपी फर्जी आधार और पैन कार्ड के आधार पर निकाल लेते थे प्रवेश पत्र। फतेहपुर में ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, ढाबों के पास खड़े ट्रकों से करते थे डीजल चोरी, पकड़े गए गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई। गोंडा में जमीन घोटाले में आरोपियों के घर छापेमारी, एसआईटी ने एडवोकेट अनिल के घर पर की छापेमारी, नगर पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा गया। लखनऊ में मोहनलालगंज में कार समेत लापता राम अचल की हत्या, 8 दिन पहले कार लेकर बुकिंग कर जाने की बात कहकर घर से निकला था राम अचल, पुलिस ने घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटा में पालतू डॉग की गोली मारकर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने रिटायर्ड फौजी सत्येंद्र के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 6 फरवरी को रिटायर्ड फौजी सत्येंद्र पर पालतू डॉग को गोली मारने का। कानपुर के घाटमपुर में आरोपी का पुलिस वालों पर हमला, हमले में दारोगा और सिपाही घायल, आरोपी पर दारोगा का गला दबाने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बागपत पुलिस ने हत्या आरोपी भाई को किया गिरफ्तार, आरोपी की निशानदेही पर हत्या का इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद। जालौन में रिपोर्ट मांगने गए मां बेटे की चौकी इंचार्ज ने दुत्कार कर भगा दिया, चौकी इंचार्ज का ऑडियो वायरल होते ही एसपी ने कार्रवाई की, आरोपी को किया लाइन हाजिर, न्यामतपुर चौकी का मामला। आगरा में गरीबों को राशन पर डाका डाल रहे खाद्यान्न विभाग और राशन डीलर, राशन की दुकानों पर गरीबों को वितरण किए जाने वाले चावल को मिली भगत से बाजार में बेचा जा रहा, पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बलिया में व्यापारी के सुसाइड केस में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, सुसाइड केस में अब तक 6 अभियुक्तों की हो चुके गिरफ्तारी। गाजियाबाद में नाबालिगों को वाहन चलाने पर पुलिस सख्त हो गई है, पकड़े जाने पर अभिभावकों के खिलाफ हो रही एफआईआर। मैनपुरी में चोर ने साइकिल पर किया हादसा, चोरी की घटना कैमरे में कैद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी। बागपत में बाइक और इको जोकी में जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, मेरठ बागपत हाईवे पर हुआ हादसा। कौशाम्बी के चायल कस्बे में तालाब में गिरे बोलेरो, तिलक समारोह से लौट रहे थे बोलेरो सवार, पुलिस ने क्रेन के जरिए बोलेरो समेत सभी लोगों को बाहर निकाला। लखनऊ में टैंकर से भरी प्राइवेट बस, कई लोग घायल, नेपाल से लखनऊ आते वक्त हुआ यह हादसा, ड्राइवर के मुताबिक बस का ब्रेक नहीं लगा, बख्शी के तालाब इलाके की घटना। मऊ में बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।